गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग लेसन फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम एंड टुडे वी हैव टू रीड फ्रॉम पेज नंबर 12, लास्ट पैराग्राफ. द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट स्पीसीज. अर्ली ह्यूमंस के जो अवशेष थे, आदि मानव के जो अवशेष थे, उनको विभिन्न प्रजातियों में हम डिवाइड करते हैं. These are often distinguished between one another on the basis of differences in bone structure. और इनके बीच में जो हम अंतर देखते हैं, एक दूसरे से कैसे वो अलग हैं, वो हम बोन स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है, यानी कि उनके हड्डियों के ढांचे में जो अंतर है, उसके आधार पर हम ये अंतर निकालते हैं. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, स्पीसीज ऑफ अर्ली ह्यूमन्स एंड आर डिफ्रेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ देयर स्कल साइज एंड डिस्टिंक्टिव जॉज. जो उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जो प्रजातियां थी अर्ली ह्यूमन्स की, वो हमने उनको डिफ्रेंशिएट किया, अलग किया, इन टर्म्स ऑफ देयर स्कल साइज, उनकी खोपड़ी का जो आकार था और उनका जो एक विशेष प्रकार का जबड़ा था, इन दो चीजों के आधार पर हमने उनमें डिफरेंस किया था इन स्पीसीज में. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मे हैव इवॉल्व ड्यू टू व्हाट हैज बीन कॉल्ड द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. और ये जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तरह से वो इवॉल्व हुई हैं एक नई प्रकार के पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से. उनकी जो विशेषताएं थी, उनके अंदर जो विशेषताएं पाई जाती थी, वो एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ही एक तरह से इवॉल्व हुई होंगी, शुरू हुई होंगी. इसका मीनिंग है कुछ वांछित व्यवहार, जो कोई काम हम करते हैं और हमें उसके जब अच्छे परिणाम मिलते हैं, तो एक तरह से हम उसको करने के लिए और एनकरेज होते हैं. एक तरह से वही पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा. आप यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं, ये टेबल है आपकी बुक में एक, और ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को शो करती है. देखो, सबसे पहले इंक्रीज इन साइज एंड कैपेसिटी ऑफ ब्रेन. जब इन स्पीसीज के ब्रेन में, ब्रेन का साइज जो है वो इंक्रीज हुआ, यानी कि बढ़ गया ब्रेन का साइज, और इनमें कैपेसिटी ऑफ ब्रेन यानी कि सोचने की क्षमता विकसित हो गई. जब इनमें सोचने की क्षमता विकसित हुई, तो इन्होंने टूल मेकिंग की, यानी कि औजार बनाने शुरू किए. जब इनका दिमाग विकसित हुआ, तो औजार बनाए इन्होंने. अब औजार बनाने से क्या हुआ, इनके जो हाथ थे, हाथ की मूवमेंट बढ़ गई, और वो हाथ की मूवमेंट बढ़ने से वो फ्री हो गए ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए. जैसे कि वो फिर टूल्स को यूज करने लगे, अपने हाथों से इन्फेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को उठाने लगे. इन्फेंट्स होते हैं छोटे बच्चे, ऑब्जेक्ट्स यानी कि कोई भी वस्तु. तो उनके हाथ काम करने के लिए फ्री हो गए. तो जो चार पैरों पे जो वो चलते थे, अब दो पैरों पर एक तरह से वो अपराइट, इसके बाद वो अपराइट वॉकिंग करने लगे. जब हाथ जो है वो फ्री हो गए, अगले जो पैरों के रूप में जिसको वो यूज करते थे, अब वो हाथों का यूज करने लगे उनसे. और फिर वो दो पैरों पर, यानी कि पीछे वाले दो पैरों पर अपराइट सीधे खड़े होने लगे. और जो जब वो सीधे खड़े हुए, तो उसका भी उनको बहुत फायदा हुआ. उसका फायदा उनको क्या हुआ कि वो अब दूर से एक तरह से विजुअल सर्विलेंस कर सकते थे. विजुअल सर्विलांस होता है एक तरह से आंखों से निगरानी करना. जब वो सीधे खड़े होने लगे, तो किसी भी चीज को दूर से आसानी से देख सकते थे. लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग वाइल फॉरेजिंग एंड हंटिंग. और जब वो एक तरह से सीधे खड़े होने लगे दो पैरों पर, तो वो एक तरह से भोजन की और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तय करने लगे. लॉन्ग डिस्टेंस अब वो चलने लगे. तो इस तरह से ये एक के बाद एक दूसरे उस पर डिपेंड है ये काम. जैसे पहले ब्रेन का जो विकास हुआ, उससे फिर टूल मेकिंग होने लगी. टूल मेकिंग से हाथ फ्री हो गए उनके, वो ऑब्जेक्ट्स उठाने लगे हाथों में. फिर उन्होंने अगले हाथ जब फ्री हो गए, तो अपराइट वॉकिंग करने लगे, पिछले पैरों से सीधा खड़े होकर चलने लगे. सीधे खड़े होने से उनको फायदा हुआ कि वो दूर तक निगरानी करने लगे, और वो भोजन और हंटिंग यानी कि शिकार की तलाश में लंबी दूरी तय करने लगे. तो इसको हम कहेंगे एक तरह से ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे हम इसको. फॉर एग्जाम्पल, बाइपेडलिज्म अनेबल हैंड्स टू बी फ्रीड फॉर कैरिंग इन्फेंट्स और ऑब्जेक्ट्स. दो पैरों पर चलना जब शुरू हुआ, तो उसने हाथों को फ्री कर दिया कैरिंग इन्फेंट्स
छोटे बच्चों को उठाने के लिए या वस्तुओं को उठाने के लिए। इन टर्न एज हैंड्स वर यूज्ड मोर एंड मोर, और जब हाथों का यूज ज्यादा से ज्यादा होना शुरू हो गया, अपराइट वॉकिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एफिशिएंट। तो सीधे खड़े होकर चलना धीरे धीरे ज्यादा एफिशिएंट हो गया, यानी कि पैरों पर चलने में, पिछले दो पैरों पर चलना ज्यादा एक तरह से वो कुशलता पूर्वक करने लगे। अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ फ्रीइंग हैंड्स फॉर वेरियस यूजेस, फार लेस एनर्जी इज कंज्यूम्ड व्हाइल वॉकिंग एज कंपेयर टू मूवमेंट ऑफ क्वाड्रप्ट। अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेजेस, एडवांटेज होता है एक तरह से लाभ, ऑफ फ्रीइंग हैंड्स, हाथों के फ्री होने का जो लाभ था अलग अलग यूज करने के लिए, उससे क्या हुआ, उनकी एनर्जी कम यूज होने लगी, लेस एनर्जी इज कंज्यूम्ड व्हाइल वॉकिंग, जब वो चलते थे तो चलने में उनकी अब एनर्जी कम यूज होती थी, एज कंपेयर टू द मूवमेंट ऑफ क्वाड्रप्ट। क्वाड्रप्ट यानी कि चार पैरों पर चलने में जितनी एनर्जी लगती थी उसकी तुलना में। हाउएवर द एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ सेविंग एनर्जी इज अ रिवर्स व्हाइल रनिंग, जब वो दौड़ते थे तो ये जो सेविंग एनर्जी थी, जो एनर्जी की बचत होती थी, वो उल्टी हो जाती थी। देयर इज इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ बाइपेडलिज्म, दो पैरों पर चलने के जो सबूत हैं वो इनडायरेक्टली मिले हैं, एज अर्ली एज 3.6 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 36 साल पहले इनके अप्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं। दिस कम्स फ्रॉम द फॉसिलाइज्ड होमिनिड फुटप्रिंट्स एट लेटोली तंजानिया, तो इसके जो सबूत मिले हैं होमिनिड के फुटप्रिंट्स के, पैरों के जो उनके अवशेष मिले, उनके अवशेष जो है वो लेटोली और तंजानिया से मिले, और ये दोनों ही जगह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। फॉसिल लिंब बोन्स रिकवर्ड फ्रॉम हादर इथोपिया प्रोवाइड मोर डायरेक्ट एविडेंस ऑफ बाइपेडलिज्म, और इस दो पैरों पर चलने के जो सबूत थे वो दो जगहों से ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से मिले, और वो दो जगह थी हादर और इथोपिया, ये दोनों जगह भी अफ्रीका में ही है। यहां से फॉसिल लिंब बोन मिली है, यानी कि अगले जो दो पैर थे लिंब बोन्स, उनके फॉसिल्स अवशेष मिले हैं अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स एगो विद द ऑनसेट ऑफ अ फेज ऑफ ग्लेशिएशन। ग्लेशिएशन का एक फेज, एक चरण शुरू हुआ, ग्लेशिएशन होता है एन आइस एज, यानी कि एक हिमयुग, एक बर्फ का युग, इसकी शुरुआत हुई। When large parts of the earth were covered with snow, there were major changes in climate and vegetation. जब एक बहुत बड़ा हिस्सा धरती का बर्फ से ढक गया तो क्लाइमेट में और वेजिटेशन में दोनों में बदलाव आ गया, जलवायु भी चेंज हो गई और वनस्पति भी, ड्यू टू द रिडक्शन इन टेम्परेचर्स, और फिर टेम्परेचर भी कम हो गया, एज वेल एज रेनफॉल, बारिश कम होने लगी, तो ग्रासलैंड जो थे एरियाज एक्सपेंडेड, घास के मैदानों का जो एरिया था वो बढ़ गया, अब पेड़ पौधों की बजाय एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट की बजाय अब वनों की बजाय घास के मैदान ज्यादा विस्तृत हो गए, लीडिंग टू द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ द अर्ली फॉर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और इससे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे उनके शुरुआत के जो फॉर्म्स थे, रूप थे, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए, दैट वर एडेप्टेड टू फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट में रहने के आदि थे, एंड द जब फॉरेस्ट खत्म हो गए तो ये भी खत्म हो गए, एंड द रिप्लेसमेंट बाय स्पीसीज दैट वर बेटर एडेप्टेड टू द ड्रायर कंडीशन, और इस प्रकार की प्रजातियां वहां शुरू हो गई, उनका रिप्लेस हो गया, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस की जगह पे वो आ गई जो ड्रायर कंडीशन में एडेप्टेड थी, यानी कि जो सूखी अवस्थाओं में रह सकती थी। अमंग दीज वर द अर्लीएस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जीनस होमो, और इन प्रजातियों में शामिल था जीनस का जो होमो था, होमो जो रूप था उसका, उसके रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल थे।